हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल अभियुक्त टाइगर फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं कि कौन कितने कैटरपिलर्स फिलहाल है अपने पास। तो इस एक लीफ में अगर आप देखें तो चार कैटरपिलर्स है, एक ये और अंदर दो, इधर और दो है, फोर कैटरपिलर्स इन दिस लीफ। एक कैटरपिलर इसके अंदर है। अब इस लीफ ऑलमोस्ट पूरी तरह से इट हैज ईटन अप दिस लीफ फ्रॉम इनसाइड, तो मुझे अब एक और लीफ इसके कैटरपिलर के लिए लाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो, आई गेस दो कैटरपिलर है इसमें। हियर अगेन टू कैटरपिलर्स, एक बाहर है जो भी अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। देखिए दिस वन, इस तरह से ये लीफ के अंदर जा रहा है। अब देखोगे कि इसका जो कलर और ह्यू है ये ज़्यादा डार्क है। जब ये प्यूपल स्टेज में जाता है तो इसका कलरेशन लाइट हो जाता है। एक ये आठ, दिस इज नाइन्थ। देखिए कैसे अंदर जा रहा है, जाने की कोशिश कर रहा है। अब इसने लीफ को खाना स्टार्ट कर दिया है। रिसेंटली अभी बाहर आया है लीफ के। देखिए इट हैज क्लाइम्ड दैट लीफ जो कि मैंने उसके बगल में रखा था। लीफ पे कंफर्टेबल होने के बाद इट विल स्टार्ट ईटिंग दिस लीफ। दिस इज अनदर कैटरपिलर जो कि प्यूपा स्टेज में चला गया है। ऑलमोस्ट इट इज इन अ प्यूपा स्टेज, जो कि आप देख सकते हैं उसका कलर। अगर कलर देखें, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए कलर का। सो जैसे मैंने कहा, जब वो प्यूपल स्टेज में जाता है तो इसका कलरेशन वैरी करता है, लाइटर शेड लाइट कलर हो जाता है एज कंपेयर टू जबकि वो कैटरपिलर स्टेज में होता है। दो कैटरपिलर है जो कि प्यूपल स्टेज में चले गए हैं। सो विद इन कपल ऑफ डेज आई गेस ये सारे कैटरपिलर्स प्यूपल स्टेज में जाएंगे। 11 कैटरपिलर्स है, इस टोटल 11 कैटरपिलर्स है इस कंजर्वेटरी में। उसमें से दो प्यूपल स्टेज में गए जा चुके हैं और बाकी के 9 अभी आर इन देयर प्रोसेस ऑफ ईटिंग, गेटिंग बिगर इन साइज और फिर हो जाएंगे। देखिए, सो ये था अपडेट अबाउट द बटरफ्लाइज एंड कैटरपिलर्स। टोटल 11 कैटरपिलर्स इन द कंजर्वेटरी, इसमें से दो प्यूपा स्टेज में जा चुके हैं। अदर्स आर डूइंग वेल, ईटिंग वेल, ग्रोइंग वेल एंड सून मे बी अवर इन वन और टू डेज ऑल द कैटरपिलर्स विल गो इन टू प्यूपा स्टेज। आई विल कीप अपडेटिंग अबाउट देयर ग्रोथ एंड वेल बींग। जैसे ही कोई बटरफ्लाई निकलता है प्यूपा में से तो आई विल शूट इट एंड ट्राई टू ब्रिंग द लाइफ इमर्जेंस ऑफ द बटरफ्लाई फ्रॉम द प्यूपा इफ आई गेट अ चांस, क्योंकि बहुत ही स्प्लिट ऑफ अ सेकंड होता है जबकि वो बाहर आता है। मुझे पता चल गया है कि किस दिन ये निकल सकते हैं, क्योंकि जो कलरेशन चेंजेस होता है उससे पर थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि आज ये बटरफ्लाई उस कैटरपिलर इस पीपल से बाहर निकलेगा। लेकिन किस वक्त निकलेगा दैट आई कैन नॉट प्रिडिक्ट,
क्योंकि वो बहुत स्प्लिट ऑफ अ सेकंड होता है कि भी लगे हाँ अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन तभी वो प्यूपा प्यूपल स्किन उसकी होती है उसको ब्रेक करके 2 सेकंड में वो बाहर आ जाता है। वो अलग बात है कि उसके बाद उसको 1-1.5 घंटा लगता है अपने विंग्स को ड्राई करने में के लिए और फिर वो फ्लाई अवे करता है। लेकिन जो मोमेंट होता है जब वो प्यूपा को ब्रेक करके बाहर आता है, दैट्स स्प्लिट ऑफ अ सेकंड, वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। एक दो जो मैंने शूट किए थे पहले वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसमें भी आई वॉज लुकिंग एट दैट पर्टिकुलर कैटरपिलर पर्टिकुलर प्यूपा फॉर से हाफ एन आवर 1 आवर कंटिन्यूसली और तब जाके मुझे वो इमेज मिला था। मैंने लास्ट ईयर मैंने एक टाइम लैप्स भी शूट किया था, लेकिन उस टाइम लैप्स के लिए मुझे पूरी रात जगना पड़ा था कि तो इस बार भी ट्राई करूंगा, आई डोंट प्रॉमिस, लेकिन अगर मिला मुझे मौका शूट करने का तो बिल्कुल शूट करूंगा उस बटरफ्लाई की इमर्जेंस का वीडियो एंड आई विल शेयर विद ऑल ऑफ यू गाइस। आई विल कीप यू अपडेटिंग द प्रोग्रेस ऑफ दीज कैटरपिलर्स, दीज ब्यूटिफुल फ्रेंड्स ऑफ माइन, एंड तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, कीप वॉचिंग माई वीडियोज, कीप वॉचिंग माई चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट कीजिए आपको कैसा लग रहा है, कैसे लग रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर द सपोर्ट, बाय, टेक केयर।